खबरें वो जो बने सुर्खियाँ, अंदाज ऐसा जिसे अब तक न देखा न सुना, देश की प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण, सिर्फ खबर ही नहीं खबर के अंदर की खबर जानने के लिए देखें tahalka.in। नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह भीमा, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। मऊ के विभिन्न ईंट भट्टों पर कचिया शराब का धंधा जोरों पे चल रहा है। ये आए दिन सुनने को मिल रहा है कि कचिया शराब ईंट भट्टों पे बनते हैं, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। कचिया शराब बनने से कई घर बर्बाद हो रहे हैं। गत दिनों पुलिस और SDM ने एक ईंट भट्टे पर छापा मारा। हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, छापे के दौरान किस तरह से लहसुन को किया गया है नष्ट, ये देखिए एक रिपोर्ट। हम रहने वाला रांची झारखंड के। यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं आप? हम काम कर रहे हैं एक महीना कितना दिन हुआ। और ये यहाँ पे शराब कब से बनाई जाती है? ये शराब तो काबे से बन रहे हैं, हम नहीं बनाते हैं। कल ड्यूटी उतर के अभी हम सोए हैं अपना ड्यूटी में। मालिक बोलते नहीं है तो मेरा तो काम है जी कि एक टाइम हमके सोना ही है, कहीं सोना ही है सोना ही है। मालिक बोलते नहीं कि यहाँ शराब बनाना गैरकानूनी है? तो उस सब तो के तो काम है जी कि आपके इतना रेट दे रहे हैं, बना रहा बना बनवा कौन रहा है तो कहाँ बनाएंगे? कौन बनवा रहा है? मलकार बनवाता है। कौन मलकार? मलकार जो प्रधान है चिमनी वाला, इससे तो नाम जान रहा है। भट्टे वाला, भट्टे वाले का ये है। हाँ जी, मुझे कहीं से सूचना मिली थी कि ईट बरलई में ईट का जो भट्टा चल रहा है वहाँ पर ये कच्ची शराब बनाई जा रही है और बेची जा रही है, और भारी मात्रा में बेची जा रही है। तो मैं उसी सूचना के संदर्भ में यहाँ जांच करने आई थी, तो पता चला यहाँ वाकई में शराब बनाई भी जा रही है और बेची भी जा रही है। एक व्यक्ति इसमें पकड़ा गया है, बाकी जो यहाँ पर खरीदने आए थे वो पीछे से भाग गए, हम उनको नहीं पकड़ पाए। लेकिन जो ज़मीन के नीचे है वो हमें बहुत सी मात्रा में, भारी मात्रा में मिली है उसको, जो कच्ची उसमें शराब होती है, लहन जिसको बोलते हैं। आप देखते रहिए तहलका न्यूज, सबसे तेज सबसे ज्यादा मऊ का नंबर 1 चैनल तहलका न्यूज। सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी।